शाहजहाँपुर में सनसनी फैला देने वाला मामला आया सामने। यहां जिला कारागार में बंद एक कैदी की जिला अस्पताल में आखिरी सांस लेते हुए दर्दनाक मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने काफी प्रयास किया लेकिन उसकी जान नहीं बचा सकी। शाहजहाँपुर के जिला कारागार में जहां पर थाना मिर्जापुर निवासी हरपाल नाम का कैदी लंबे समय से बंद था। हरपाल जिला कारागार में यहां पर धारा 307, 302, 25 आर्म एक्ट 2012 के जिला कारागार में यहां पर निरुद्ध था, जो आपको बताया चले कि काफ़ी जगह चोट और बीमारी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसका इलाज के दौरान ही मौत हो चुकी है। फिलहाल जिला कारागार में अधिकारी इस मामले में लिपापोती करने में जुटे हुए हैं। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज आने के लिए आप देख सकते हैं शाहजहाँपुर से अनुभव गुप्ता की रिपोर्ट। जो बंदी की मृत्यु हुई है उस बंदी का नाम है हरपाल यादव सना रतिराम यादव, निवासी है पिटरा थाना मिर्जापुर शाहजहाँपुर का। ये कारागार में 3 जून 2012 को आया था। इसके ऊपर तीन केस थे, एक तो 307 का था, दूसरा 302, 504, 307, तीसरा केस था 3/25/27 आम साइड। ये तीनों केस जलालाबाद के थे। ये बंदी MDR फेफड़े की TB का उपचाररत रोगी था। आज हम लोग परेड देख रहे थे, सोमवार को प्रत्येक वीक में सप्ताह में परेड देखी जाती है, बंदियों के सबके हालचाल लिए जाते हैं। परेड देख रहे थे, बंदी परेड पर भी मौजूद था। जिस समय परेड देख करके हम लोग करीब 10:52 के आसपास वहाँ से निकले हैं और उसके बाद कुक हाउस में परेड देख रहे थे, वहाँ से निकले हैं जैसे, तो तुरंत सूचना मिली कि एक बंदी ने फांसी लगा ली है। ये बंदी बैरक नंबर 3 में निरुद्ध होता था और इसने अपने लुंगी से बैरक नंबर 3 के वरांडे में फांसी लगा ली। इसको तत्काल जैसे ही सूचना मिली इसको तत्काल उपचार के लिए सांस चल रही थी, तत्काल जेलर साहब और सभी लोग मिल करके डॉक्टर साहब ने देख करके जिला अस्पताल भेजा था, वहाँ भर्ती हुआ, उसके बाद इसकी मृत्यु हुई। सर, इसमें किस तरीके की जांच आपके द्वारा कराई जाएगी और क्या कोई लापरवाही की बात क्या इसमें? हमारे द्वारा जांच इसकी की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।